चाहिए इस तरीके से। आपके पास कोई भी पुरानी टी शर्ट या लेगिंग्स हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ पुरानी टी शर्टें यूज़ कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाली टी शर्ट से मैं इसको सिलने का काम करूँगी, तो इसे मैं साइड पर रखती हूँ। सबसे पहले जिस टी शर्ट में से आपने बनाना है इसमें से हम यार्न कटिंग करेंगे। सबसे पहले जिस भी टी शर्ट में से आपने बनाना है, देखिए जैसे मेरे पास टी शर्ट से आपने बनाना है, इसमें से आपको 1.5 इंच की इसमें से अप्रॉक्सीमेट स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। तो 1.5 इंच की मैंने स्ट्रिप कटिंग करी, इसे हल्का सा स्ट्रेच किया, तो इस तरीके से मेरे पास ये टी शर्ट का यार्न आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसी टी शर्ट्स में से आपको काट के इस तरीके से पहले यार्न रेडी करना है। इस तरीके से मैंने येलो में से कटिंग किया है, ब्लैक में से कटिंग किया है और ग्रीन में से कटिंग किया हुआ है। कटिंग करने के बाद आपस में आपको इन्हें ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली इसे कट करना है। जैसे येलो है, येलो के साथ मैं आगे येलो ही ज्वाइन कर ली हूँ, इस पर कट लगाया, इस पर कट लगाएंगे। कट किया, इसे कट किया और इसे इसके बीच में से निकाल दिया। तो इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरीके से आपको आगे इसमें ज्वाइन करते हैं। तीन लड़ियां ली हैं, एक मैंने येलो की ली है, एक मैंने ब्लैक की ली है और एक मैंने ग्रीन की ली है। ग्रीन में मैंने आगे ग्रीन ज्वाइन किया हुआ है, ब्लैक में आगे मैंने येलो में येलो और ब्लैक में मैंने ब्लैक ज्वाइन किया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो तीन कलर मैंने ले लिए, इसमें से अभी मैंने कटिंग नहीं किया है, तो हम चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए मैंने तीनों को पकड़ के सुई और धागे से इसे अच्छे से सिल दिया है। अब इसकी आप गुत बना लीजिए, नॉर्मल जैसे हम गुत बनाते हैं वैसे ही आपको बना। इस तरीके से तो यहाँ से सुई धागे से तीनों पकड़ के पूरे लंबाई में जहाँ पे ख़त्म होते रहे वहाँ पे ज्वाइन करते रहिए और पूरी लंबी सी लड़ी बना लीजिए। इस तरीके से लंबी सी लड़ी बना ली है। तो यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया, तो यहाँ मैं ज्वाइन करती रहूँगी। जैसे जैसे मेरा ख़त्म हो जाएगा तो टी शर्ट में से और काट के ज्वाइन करते रहिए और इसे लंबी लड़ी हम बनाते रहेंगे। तो इस तरीके से लड़ी बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये मैंने लड़ी बना ली। इसके बाद कोई भी एक कलर की टी शर्ट लीजिए जिससे आप इसे बुनना चाहते हैं। जैसे मैं ये ले लेती हूँ, इसमें से हमें 1 इंच की स्ट्रिप कटिंग करनी है। जो और टी शर्ट थी इसमें से हमने थोड़ी मोटी स्ट्रिप कटिंग करी थी ताकि हमारी ये जो गुत बने थोड़ी मोटी बने, इसमें से आपको थोड़ी पतली करनी है जो स्ट्रिप कटिंग करनी है। अप्रॉक्सीमेट 1 इंच की हम इसमें से स्ट्रिप कटिंग करेंगे क्योंकि हम ये बुनने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये मैं थोड़े पतले साइज़ की इसमें से स्ट्रिप कटिंग कर रही हूँ। तो जिस भी टी शर्ट का आप बुनने के लिए यूज़ करें वो आपको स्ट्रिप थोड़ी सी तरीके से पतली कटिंग करनी है। ये देखिए तो इसकी थिकनेस थोड़ी पतली है और ये जो हमने कटिंग किया था इसकी थिकनेस हमें मोटी लेनी है। जिससे आप सिलेंगे ये कम लेना है और ये थोड़ा मोटा लेना है, तभी आपका मैट ये अच्छा बनेगा। तो चलिए मैं आपको आगे बनाना बताती हूँ। लेनी है और ये जो मैंने यार्न लिया था ये लेना है। सेफ्टी पिन को इसमें लगाइए और हम इसे ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसे पहले राउंड में इस तरीके से घुमाना है। ये मैंने लिया, पहले इसे यहाँ पे नॉट कर दीजिए। ये मैंने नॉट कर दिया। अब हम इसे राउंड राउंड घुमाते रहेंगे और इसे स्टिच करते रहेंगे। अभी मैंने इसे राउंड घुमा लिया इस तरीके से। जो हमने ये बनाए हैं इसके बीच में से हमें इसे निकालना है। इसके बीच में से मैंने निकाला, ये
तरीके से, और जो इसके आगे वाला है नेक्स्ट, उसके बीच में से ऐसे निकाल दीजिए। एक बन गया हमारा, अब हम इसे आगे ले जाते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला है, ये नेक्स्ट वाला, इसके बीच में से निकाल लीजिए। और इसको यहाँ से जो लास्ट वाला है, इसके बीच में से, अब इसे गोल गोल हम घुमाते रहेंगे इस तरह। आ गया फिर नेक्स्ट वाले के, एक इसमें से निकालना है और जो इसके वाला नेक्स्ट है उसके बीच में डाल देना है। बस हम इसे इसी तरीके से गोल गोल घुमाते रहेंगे और इसे आगे बनाते रहेंगे। ये जो ये वाला है इसके बीच में से इस तरीके से, और जो यहाँ पे नेक्स्ट है उसके बीच में। बस इसी तरीके से हम इसे राउंड में घुमाते रहेंगे। अब जो ये नेक्स्ट वाला है, ये देखिए ये नेक्स्ट वाला है, इसके बीच में से निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है उसके बीच में। बस इसी तरीके से हमें इसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहना है, और जितना बड़ा बनाना चाहें आप अपने अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हैं। बस सिंपली अभी मैंने नेक्स्ट में लिया था, तो ये जो नेक्स्ट वाला है इसके बीच में से निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है उसके बीच में डाल दिया। कुछ इस तरीके से, फिर जो नेक्स्ट में से, और इसका जो नेक्स्ट है उसके बीच में से। तो इस तरफ से भी मेरा पूरा प्रॉपर फिनिश बनता है, इस तरफ से भी फिनिश बनता है। तो इसमें धागे और रॉय एजेस वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं। देखिए यहाँ से भी प्रॉपर फिनिश और यहाँ से भी प्रॉपर फिनिश। अगर हम नॉर्मल सुई और धागे से जब इस तरीके से सिलते हैं तो उसमें नीचे से बहुत सारे धागे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो ये हमारा प्रॉपरली फिनिश होगा, और आप ये मजबूत भी काफ़ी बनता है, आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं। तो बस इसे इसी तरीके से घुमाते हुए सिलते हुए मैं पूरा कंप्लीट करना है। इसे मैं बनाती रह रही हूँ, मेरा कुछ इस तरीके से ये बनता रह रहा है। यहाँ पर इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से बिल्कुल फिनिश्ड और अच्छा सा बन रहा है। तो बस हमें इसी तरीके से इसे कंटिन्यू करते रहना है और बनाते रहना। बस मैं इसे ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहूँगी, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में से नेक्स्ट में से निकाला, ये देखिए जैसे ये नेक्स्ट है इसके बीच में से निकालना है, ये वाला ये लेना है आपको, जो हमने लड़ी बना रखी है ये नेक्स्ट वाला है, इसके बीच में से आपको निकालना है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसके बीच में आपको इस तरीके से इसे डाल देना है, और अच्छे से इस तरीके से टाइटली बोल लेना है। फिर सेम यही मेथड फॉलो करना है इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए ये वाला नेक्स्ट है, मैं स्लो स्लो कर रही हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। यहाँ पे मैंने डाला, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है उसके बीच में से मैं इसे निकाल,
जैसे जैसे हम इसे बनाते रहेंगे राउंड राउंड में, इस तरीके से इसे गोल गोल घुमाते रहिए, इस तरीके से। यहाँ पे मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें और ज्वाइन कर लूँगी। अभी मेरे पास बहुत सारी टी शर्ट पड़ी है, देखिए इतना बन गया है और अभी भी मेरे पास काफ़ी सारी टी शर्ट पड़ी है ये। तो इसी तरीके से हम इसे आगे बनाते रहेंगे। ये लिया, फिर नेक्स्ट, जैसे हमने इसमें से निकाल लिया है, नेक्स्ट हमारा ये वाला है। तो हम इसके बीच में से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ मेरा इस तरीके से ये बनता रह रहा है, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ से एक जैसा बन रहा है। तो आप इसे इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, थिकनेस काफ़ी अच्छी है इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से हम आगे इसमें लड़ियाँ ज्वाइन करती रहोंगे और इससे हम इसे सिलते रहेंगे। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहें इसमें यहाँ पे आगे ज्वाइन करते रहिए और इससे जैसे मैंने आपको सिलना बताया सिलते रहिए और अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं इस मैट को बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर